नौजवान हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ज्यादातर बुराई की तरफ जाते हैं, तो उससे बेहतर यही है कि हम अपने मतलब जो हमारी कुछ हमारे पास कुछ टैलेंट होता है, हम वो लोगों को दिखाएं, उससे उनको कुछ फायदा मिले, ना कि वो हम दिखाएं उनको अपनी बुरे बुरी बातें या बुरे काम करके दिखाएं कि जिनसे वो भी बिगड़ सके और हमें भी गुनाह मिले। तो हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमें खुद भी महसूस हो कि नहीं, हमने कोई नेक काम किया है, या जिससे हमें अल्लाह भी खुश हो जाए कि मेरे बंदे ने वो काम किया है जिससे दूसरा बंदा भी सही रास्ते पे चला है। मेरा नाम बिस्मा बशीर है, मैं जमलगाम में रहती हूँ। मैंने आलमियत किया है, तो उसके बाद मैं घर में ही थी। फिर मुझे बीच में, मैं एक बार यूट्यूब पे देख रही थी ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने वहाँ पे कैलीग्राफी देखी थी। उसके बाद से अब मेरे दिल में शौक पैदा हुआ, तो मैं तब से यही सीख रही हूँ। बाद अब मैं ये सब कुछ बना रही हूँ घर में ही। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया था, तो मैं घर में बैठ के ही ये सब कुछ लिख रही हूँ। बाकी मुझे कोई टीचर नहीं मिला इसके लिए, तो वरना मैं भी बहुत इससे आगे भी सीख सकती थी। उसके बाद फिर मैं अब घर में ही ये सब कुछ लिख रही हूँ। बस एक दो दिन लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। ज्यादातर किसमें आप बना रही हुई? मैं कुरानी आयत में बना रही हूँ ज़्यादातर, बाकी मैं और ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस कुरानी आयत में मैं ज़्यादा बनाती हूँ। बस ये 10-15 मैंने बनाए हैं, तो ये मैं कुरानी आयत नहीं बना रही हूँ। 1-2 महीने हो गए हैं बस, और इसके लिए मुझे कोई टीचर नहीं मिला है, वरना इससे ज़्यादा सीख सकती थी मैं। जो आजकल आप लिखा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अब एक टॉपिक भी इस पे लिखा था जी। वो अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब हर टाइम मुझे यही बोलते हैं कि अपने काम में हमेशा ध्यान रखा करो।